डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मांगा रीडर्स के लिए है, सो प्लीज एनिमे वॉचर्स इस वीडियो से दूर रहना क्योंकि यहाँ पर तुमको स्पॉइलर मिल सकता है। सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। क्या कभी तुमने सोचा है कि जब काइडो किंग के साथ मिलकर मरीनफोर्ट में हमला करने आ रहा था, उस वक्त सैंक्स उसके रास्ते में आके ऐसा क्या बोला कि वो सुनने के बाद वापस लौट गया? क्या तुमने कभी सोचा है काइडो अपने ही डॉटर को हथकड़ियां क्यों पहना के रखता है? ये दो चीज भले ही तुम सोच सकते हो, बट तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा, जब काइडो लूफी को मार के समुन्दर में फेंक देता है तब वो ऐसा क्यों कहता है, सीम्स लाइक यू कुडंट बी जॉय बॉय आइदर। प्लस जब वो लूफी को हराता है तब वो रो रहा होता है, ऊपर से मेरे भाई वो जॉय बॉय के बारे में जानता है। मांगा चैप्टर 1035 में जब हमें किंग के बैक स्टोरी दिखाई जाती है, वहां किंग काइडो से पूछता है कैन यू चेंज द वर्ल्ड। काइडो उसे जवाब देता है आई एम द ओनली वन हु कैन चेंज इट। ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी तरह से इशारा करते हैं काइडो को हम जैसा समझते हैं या फिर जैसा हम उसे सोचते हैं वो वैसा नहीं है, उसका एक अलग ही पास्ट है। ओडा हमें जो चीज बताना चाहते हैं उसमें हम ध्यान दे रहे हैं, बट इन सब के पीछे जो इतने सारे चीजें छिपा के रखे हैं ओडा, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, काइडो इस वर्ल्ड को जॉय बॉय के टाइम के जैसे बनाना चाहता था, जिस वर्ल्ड के बारे में जान के खुद रॉजर भी हंसते हुए बोला था काश मैं तुम्हारे वर्ल्ड में जी पाता जॉय बॉय। फालतू की बातें छोड़ो, सीधे टॉपिक पे आते हैं। गॉड वैली इंसिडेंट आज से कितने साल पहले हुआ था? 38 ईयर्स पहले। यामाटो की एज कितनी है? 28 ईयर्स, मतलब ये गॉड वैली इंसिडेंट के 10 साल बाद पैदा हुई। काइडो की एज 59 ईयर्स है और वो ग्रैंड लाइन में पैदा हुआ था, ये खुद हमें ओडा विवरे कार्ड में बताते हैं। ऊपर से जो अपना लुनारियन है उसकी एज 47 ईयर है। अब जैसा कि तुम जानते हो काइडो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक ओनी है, हिंदी में बोले तो नरभक्षी राक्षस है और इंग्लिश में बोले तो ऑर्क्स है। डॉक्टर वेगा पंक उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब मुझे जहां तक लगता है काइडो और यामाटो अपने स्पीसीज के लास्ट बचे हुए हैं, प्लस ऐसा हो सकता है कि वो ओनी किंग हो अपने पास्ट में और उसके सारे स्पीसीज के लोगों को पास्ट में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खत्म करवा दिया। काइडो ओनी का किंग कैसे था? इसके लिए मेरे पास दो पॉइंट है। पहला, काइडो के पास सुप्रीम किंग हाकी है और तुम अच्छे से जानते हो कि सुप्रीम किंग हाकी ऐसे वैसे के पास नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें दूंगा, जो काइडो का ओनी किंग होने का दावा करता है वो एक तरह से फोरशैडोइंग है ओडा के तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। मांगा चैप्टर में जब हमें यामाटो को पास्ट दिखाया जाता है, वहां पे सिमुसुकी योशिमारु यामाटो को ओनी प्रिंसेस कह के बुलाता है, मुझे लगता है ये किसी तरह का फोरशैडोइंग है ओडा के तरफ से कि काइडो अपने पास्ट में ओनी किंग था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यामाटो की मॉम भी ओनी थी? मुझे लगता है हाँ, और जब शायद यामाटो पैदा हुई उसी के आसपास वो मर गई, वरना अगर यामाटो थोड़ी बहुत बड़ी होती तो उसको उसकी मॉम के बारे में जरूर याद रहता और उसे वो जरूर याद करती। अब देखो मुझे क्या लगता है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ होगा, जब काइडो को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था और उसके ऊपर डॉक्टर वेगापंक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस वक्त उसे कोई ना कोई चाहिए था जो उसे जाके छुड़ा सके, तब ना काइडो वहां से निकल पाएगा क्योंकि उसके हाथों में वरना सी प्रिज्म स्टोन हो गए तो फिर वो कहां से फाइट कर पाएगा अपने फुल पोटेंशियल पे। तो मुझे ऐसा लगता है यामाटो की जो मॉम है वो गई होगी और काइडो को छुड़ाया होगा और उसके बाद उसे छुड़ाते वक्त यामाटो की मॉम की डेथ हो गई, जहाँ पे लास्ट में मरते वक्त उन दोनों के बीच में आपस में फाइनल बातचीत जरूर हुई होगी और काइडो अपना जो सख्त लौंडा है उसके दिमाग में ये आया होगा कि वो भी यहाँ पे लड़ते हुए मर जाए, बट यामाटो की मॉम ने उसे बताया होगा कि तुम्हारी एक डॉटर है उसे जाके प्रोटेक्ट करो, यहाँ से बाहर निकलो। और शायद यही वो रीजन है जिस वजह से काइडो इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता है, और शायद यही वो रीजन है जिसके वजह से काइडो कभी कभी खुद को मारने का भी ट्राई करता है बट खुद को मार नहीं पाता, बिकॉज वो अगर मर गया तो इस वर्ल्ड को चेंज कौन करेगा। उतना पास्ट क्लियर, अब हम लोग थोड़ा 2 साल पीछे चलते हैं। काइडो मरीनफोर्ट क्यों जाना चाहता था? और लेटेस्ट विवरे कार्ड में पता चला है काइडो और किंग जा रहे थे बिकॉज वो इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता था। उसको ये लगता था कि अगर वो मरीनफोर्ट में व्हाइट बियर्ड के साथ मिलके फाइट करे तो वो इस वर्ल्ड को चेंज कर देंगे, क्योंकि उसको यही लगता था वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा दो ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया सैंक्स, उसने उसे बताया होगा देख अभी टाइम नहीं आया है, रॉजर की भविष्यवाणी सच होगी, ईस्ट ब्लू में मैंने एक लड़का देखा है जिसके लिए मैंने अपना एक हाथ गवा दिया, अभी तू वेट कर 2 साल बाद जरूर कोई आएगा।
जो हमें सरपास करेगा, वो ये बात सुन के जरूर वापस चला गया होगा और इसी वजह से उसने सैंक्स के साथ फाइट नहीं किया। प्लस काइडो सैंक्स की रिस्पेक्ट भी करता है। ये चीज का पता हमें तब मालूम पड़ा था जब वो लूफी को देख के कहता है सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो मुझसे फाइट करने की ताकत रखते हैं, और वहां पर सैंक्स भी था। अब देखो, अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, ये जो तुम लोग अभी फाइट देख रहे हो लूफी वर्सेस काइडो की, काइडो अभी लूफी को टेस्ट कर रहा है कि क्या ये लड़का वही है जो जॉय बॉय के विल को लेके पैदा हुआ है। बिकॉज जब काइडो लूफी को हरा के समुंदर में फेंक देता है तो वो रोता है, ये भी जॉय बॉय नहीं निकला ये सोच के। अब तुम्हारा यहाँ पे सवाल उठ सकता है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो फिर वो अपने डॉटर को हथकड़ियां क्यों पहना के रखता है? देखो, मैंने अभी तक उसे अच्छा नहीं बोला है। और रही बात यामाटो को हथकड़ियां पहनाने की, वेट करो बताऊंगा। यामाटो का ड्रीम क्या है? कोजुकी ओडेन बनना। ओडेन का ड्रीम क्या था? बाहर जाके एडवेंचर करना। उसको सोगुन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको ये सब लफड़े में पढ़ना ही नहीं था, उसको फ्रीली नए नए एडवेंचर करना था। भाई वो बंदा फ्री माइंडेड था। यामाटो के पास ओडेन का लॉग बुक है, यामाटो ओडेन को इंस्पायर करती है। काइडो ये बात जानता है, उसकी बेटी बाहर जाके एडवेंचर करना चाहती है, उसको पूरी दुनिया में फ्रीली घूमना है। बट अभी का जो वर्ल्ड जॉय बॉय के टाइम जैसा नहीं रहा, वो ये बात भी जानता है। प्लस काइडो ये बात भी जानता है, अगर वो बाहर गई तो वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से उसको पकड़ लेगी और फिर उसको ले जाएगी डॉक्टर वेगा पंक के यहाँ एक्सपेरिमेंट करने। ऊपर से यामाटो भी एक मिथिकल ज़ोन टाइप डेविल फ्रूट यूजर है। क्या काइडो अपनी जगह सही है या गलत है, उस बारे में हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही जल्द आएगा। मुझे मालूम है ये आधा पार्ट देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं बस इतना कह देता हूँ, मैंने सब चीज रेडी कर रखा है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। प्लस अगर तुम ये थ्योरी देख के एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। अगर ये थ्योरी तुमको इतना ही पसंद आया, मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे 400 लाइक्स हो, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। प्लस ये थ्योरी तुमको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्योंकि ये पार्ट वन ही है, सेकंड पार्ट में मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।